आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अगर सीमा पर आतंकवाद बंद करता है तो भारत को नीरज चोपड़ा की तरह दोस्ती का हाथ बढ़ाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। दरअसल पिछले दिनों भाला फेंक स्पर्धा के भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा की एक तस्वीर वायरल हुई। उन्होंने 18वें एशियाई खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दूसरे नंबर में पाकिस्तान के नदीम अरशद रहे। प्रतियोगिता में पहला स्थान बनाने के बाद नीरज चोपड़ा ने सिर झुकाकर पाकिस्तानी खिलाड़ी का सम्मान किया और उनसे हाथ भी मिलाया। इसी तस्वीर के वायरल होने पर आर्मी चीफ से सवाल पूछा गया था, क्या भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर ऐसे दिख सकता है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से सीमा पर आतंकवाद बंद करने को कहा। जनरल रावत ने कहा, सीमा पर आतंक को रोकने के लिए पाकिस्तान को पहल करने दें। अगर वो आतंकवाद को रोकते हैं तो हम भी नीरज चोपड़ा की तरह व्यवहार करेंगे। ये तो उनके ऊपर निर्भर है। हम तो भाई देखिए, पहल उनकी तरफ से होनी चाहिए और पहल क्या होना चाहिए, उनको आतंकवाद रोकना है। अगर वो आतंकवाद रोकेंगे तो हम भी नीरज चोपड़ा बन जाएंगे। वहीं आपको बता दें, 20 साल के नीरज चोपड़ा ने उस वक्त लाखों लोगों का दिल जीत लिया जब उन्होंने भाला फेंक प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 88.06 मीटर थ्रो फेंकी। अपने लाजवाब प्रदर्शन के बाद उन्होंने दूसरे नंबर पर रहे पाकिस्तानी खिलाड़ी नदीम अरशद का सिर झुकाकर सम्मान किया और उनसे हाथ भी मिलाया। गौरतलब है कि एशियाई खेल में सेना से जुड़े खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। अब देखना होगा इस नई पहल से भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते कितने मजबूत होंगे। अगर आपको ये खबर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया को भी फ्री में सब्सक्राइब कीजिएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।